बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग चार से पाठ पैरा 105। परम प्रभु सर्वेश्वर के अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का साधन। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, फर्स्ट हैंड। परम प्रभु सर्वेश्वर के अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साधन को जानने के पहले परम प्रभु के स्वरूप का तथा निज स्वरूप का परोक्ष ज्ञान श्रवण और मनन द्वारा प्राप्त करना चाहिए। यदि हम लोग परम प्रभु सर्वेश्वर के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब उनका सीधा अनुभव साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका जो साधन है उसके बारे में यदि हम लोग जानना चाहते हैं, परम प्रभु सर्वेश्वर के अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साधन को किस तरह से उन्हें, कौन सा साधन हमें परम प्रभु का अपरोक्ष ज्ञान दिला सकता है, ये यदि जानना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं इसके पहले परम प्रभु के स्वरूप का तथा निज स्वरूप का परोक्ष ज्ञान। सीधे अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान तो होगा नहीं, तो उसके साधन की जानकारी लेने के पहले क्या करना चाहिए कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, स्वरूप मतलब उनका अपना रूप, और निज स्वरूप हमारा अपना रूप कैसा है, इसका परोक्ष ज्ञान प्राप्त करें। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, जो सीधा नहीं है, पर मतलब दूसरा, अक्ष मतलब आंख, आंख से अलग, यानी बिना देखा हुआ अपने अनुभव का जो ज्ञान नहीं है, वैसा ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कैसे, तो कहते हैं श्रवण और मनन द्वारा। सुनिए, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जो हैं उनके पास जाकर और उनसे सुनना चाहिए। उनसे सुनना मतलब कि वो जो कहना चाहते हैं उनके विचार जानना ही सुनना है। तो यदि वो प्रत्यक्ष में ऐसे महापुरुष हैं तो उनके समीप बैठकर उनके मुख से श्रवण करें, और यदि नहीं है, उनसे मिलने का हमारे पास कोई साधन मौजूद नहीं है, सुविधा नहीं है, तो ऐसे महापुरुष जो अपनी बात कह गए हैं सद्ग्रंथों में, सत्शास्त्रों में, जो उनकी लिखी बातें हैं, उनको पढ़ना भी एक तरह से उनके मुंह से सुनने के बराबर ही है। गुरु महाराज कहते थे कि पाती जो है आधी मुलाकात होती है। तो संत नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष नहीं मिल पा रहे हैं, पूरी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो उनके वाणियों का पाठ करें, वो भी क्या हो गया, आधी मुलाकात तो हो जाएगी। तो इस तरह से जो ज्ञान होता है उसको श्रवण ज्ञान कहते हैं, एक तरह से पठन भी इसके अंदर में ही आ जाता है। और फिर सुने हुए को सिर्फ सुनकर ही नहीं रह जाना चाहिए, उस पर मनन भी करना चाहिए कि जो हमने सुना उनसे, फलाने संत से, फलाने स्वामी जी से, या फलानी पुस्तक में जो हमने पढ़ा, क्या वो सच है, उसमें कितना, उसमें तर्क संगतता कितनी है, औचित्य कितना है, अपने से, अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए। और इस तरह से जो ज्ञान स्थिर होता है उसको कहते हैं मनन ज्ञान। तो पहले श्रवण ज्ञान और फिर उस पर विचार करके जो ज्ञान स्थिर होता है उसको कहते हैं मनन ज्ञान। इसलिए शास्त्रों में भी आया है श्रोतव्यम मंतव्यम, पहले सुनिए फिर मनन कीजिए, और उसके बाद कहते हैं निधिध्यासितव्यम, फिर निधिध्यासन यानी जो ज्ञान स्थिर हो गया उसका अभ्यास भी करना चाहिए। खैर वो आ गया है, अभी अभी जो कहते हैं गुरु महाराज कि उनको परमात्मा को कैसे सीधा सीधा प्राप्त किया जाए, उसका साधन क्या हो, ये जानना है। तो पहले परम प्रभु का स्वरूप कैसा, कैसे हैं परमात्मा जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं,
और हम कैसे हैं जो उनको प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा खुद का स्वरूप क्या है, कैसा है, और परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, इसको बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, तो कहते हैं श्रवण और मनन द्वारा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सृष्टि क्रम के ज्ञान के सहित यह भी जानना चाहिए कि कथित युगल स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है। इसके बाद कहते हैं कि और क्या जानना चाहिए, तो सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि क्रम का ज्ञान, यानी सृष्टि जो बनी तो क्रम मतलब सिलसिला, सीक्वेंस, कि पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये जो सिलसिलेवार सृष्टि की रचना की जानकारी, इसको कहते हैं सृष्टि क्रम का ज्ञान, कि परमात्मा से सबसे पहले कौन सी तरह की सृष्टि हुई, उसके बाद क्या बना, इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। कहते हैं सृष्टि क्रम के ज्ञान के सहित यह भी जानना चाहिए कि कथित युगल स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है। युगल स्वरूप मतलब कि परमात्मा का स्वरूप और अपना स्वरूप, अभी हमारी स्थिति कैसी है कि न तो हम परमात्मा के स्वरूप को अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, तो अभी हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, नहीं होता है। हम कौन है, अपना, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, शरीर का ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, मन के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लगती है, लेकिन हम कौन है अपने स्वरूप का ज्ञान, हमको प्रत्यक्ष ज्ञान या अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। तो कहते हैं गुरु महाराज की ये समझ, ये जानना चाहिए कि क्यों नहीं हो पाता, क्यों हम परमात्मा को नहीं देख पाते हैं और क्यों स्वयं को नहीं देख पाते हैं, युगल स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है, इस पर भी विचार करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बीमारी मर्ज पता चलेगा तभी इलाज होगा, जब ये पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है ज्ञान, तब ये भी पता चल जाएगा कि ज्ञान कैसे होगा। परम प्रभु के स्वरूप का श्रवण और मनन ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, सुन लिया और विचार में भी स्थिर कर लिया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इसलिए गुरु महाराज जो प्रवचन करते थे, अधिकांश प्रवचनों में सबसे अधिक किसी चीज की चर्चा करते थे तो परम प्रभु के स्वरूप की चर्चा करते थे, परमात्मा कैसे हैं, स्वरूपतः कैसे हैं, रूप तो उनका, उनके नाना प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उनका शुद्ध स्वरूप कैसा है, इस पर बहुत चर्चा करते थे। तो उसको सुनकर और मनन करके अपने मन में ज्ञान स्थिर कर लेने पर, कहते हैं गुरु महाराज, परम प्रभु के स्वरूप का श्रवण और मनन ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह निश्चित हो जाएगा कि प्राप्त करना क्या है, प्राप्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। जब पता चल गया परम प्रभु का स्वरूप क्या है और हमारा स्वरूप क्या है, क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ उसको प्राप्त कर सकेगा वह केवल क्षेत्रज्ञ ही उसे प्राप्त करेगा, तथा इसके लिए बाहर में व अंतर में किस ओर अभ्यास करना चाहिए, कि क्या प्राप्त करना है ये पता चल गया, क्या प्राप्त करना है, तो परम प्रभु के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसे स्वतः परम प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अब ये भी प्रश्न जानना चाहिए कि उसे कौन जानेगा, परम प्रभु के स्वरूप की जानकारी, उनका ज्ञान होगा किसको, क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ उसको प्राप्त कर सकेगा वा केवल क्षेत्रज्ञ ही उसे प्राप्त कर सकेगा। क्षेत्र किसको कहते हैं, तुलसी यह सन खेत है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, उस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 31 तत्वों का समुच्चय बताया है, 31 तत्वों को मिलाकर क्षेत्र बनता है, और उस क्षेत्र को जो जानता है, कौन जानता है कि मेरा शरीर है, मैं जानता हूँ, भले ही मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास है कि मैं जानता हूँ ये मेरा शरीर है, ये तो सबको पता है,
क्योंकि ये दूसरे का शरीर है या मेरा शरीर है। तो ये जो जानता है कि मेरा शरीर है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। अभी हमको पता ही नहीं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ कौन। अब बोलते हैं गुरु महाराज पूछते हैं कि ये पता करिए कि परमात्मा को कौन जानेगा। क्षेत्रज्ञ जब क्षेत्र के साथ मिला हुआ रहेगा, जैसे अभी हम हैं, हम क्या हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन किसके साथ मिले हुए हैं, क्षेत्र के साथ मिले हुए हैं। अभी हमारी स्थिति गड़मड़ वाली है कि हैं तो क्षेत्रज्ञ लेकिन क्षेत्र का संग हुआ हुआ है हमको, इसलिए हम जान पाते हैं क्या परमात्मा को। तो यदि प्रश्न हो कि कौन जानेगा, क्षेत्र के साथ रहते हुए क्षेत्रज्ञ जानेगा, तो स्पष्ट उत्तर है कि भाई हम क्षेत्र के साथ हैं, हम तो नहीं जानते हैं। अर्थात क्षेत्र के साथ रहते हुए क्षेत्रज्ञ परमात्मा को नहीं जान सकता, भले ही वो क्षेत्रज्ञ है। तो दूसरा प्रश्न क्या होगा कि तब केवल क्षेत्रज्ञ ही उसे प्राप्त करेगा, मतलब केवल क्षेत्रज्ञ ही प्राप्त करेगा, यानी क्षेत्र से अपने को अलग जब कर लेगा क्षेत्रज्ञ, तब उसको परमात्मा का ज्ञान होगा। तो गुरु महाराज के प्रवचनों में स्पष्ट है कि हाँ तभी होगा। आत्मा अपने ऊपर के सब आवरणों को छोड़कर, जड़ आवरणों को छोड़कर जो देखे उसे कहते हैं ईश्वर दर्शन। तो सब आवरण में से स्थूल आवरण हो गया जो है स्थूल क्षेत्र, स्थूल क्षेत्र, सूक्ष्म क्षेत्र, कारण क्षेत्र, महाकारण क्षेत्र, ये सब शरीर जो है क्षेत्र हैं। इन सब से अलग हुआ सिर्फ चेतन क्षेत्र के साथ में रहा, तब वहाँ से परमात्मा दिखने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके दर्शन होते हैं, प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति होने के लिए उस शरीर को भी, कैवल्य शरीर को भी छोड़ना होता है। जब सब शरीर छूट जाते हैं तब जो क्षेत्रज्ञ है वो प्राप्त करता है परमात्मा को। ये प्रश्न है कि क्षेत्र सहित क्षेत्रज्ञ उसको प्राप्त कर सकेगा वा केवल क्षेत्रज्ञ ही उसे प्राप्त करेगा, कौन करेगा। तो उत्तर होगा केवल क्षेत्रज्ञ प्राप्त करेगा। तथा इसके लिए बाहर में वा अंतर में किस ओर अभ्यास करना चाहिए। बाहर में अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे उनको पाने का, तो बाहर में क्या, किसके द्वारा प्रयास होगा, हमारे जितने भी प्रयास होंगे बाहर में, तो बाहर के प्रयास जो हैं हम अपने इंद्रियों के द्वारा करेंगे, कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, इन सब से जो प्रयास किया जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप कैसे मिलेगा उसको। परमात्मा का स्वरूप तो इंद्रियातीत है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो जो प्रकृति के परे है उसको प्रकृति के साधनों के औजार के द्वारा कैसे देखा जा सकता है। और बाहर जब भी प्रयास करेंगे तो जो हमको साधन मिले हैं उन्हीं के द्वारा करना पड़ेगा। जो उपकरण हैं वो उपकरण स्थूल हैं, परमात्मा तो चेतन से भी परे हैं। तो इसलिए पूछते हैं कि पूछो अपने से कि बाहर में ये ज्ञान प्राप्त करो कि बाहर में अभ्यास करना होगा कि अंदर में करना पड़ेगा। बाहर में आवरण है, छूटने के लिए अंदर 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 यात्रा करनी पड़ेगी, तो एक एक आवरण छूटते जाएंगे और अंत में आवरण रहित, आवरण मुक्त हो जाएंगे। ये सब आवश्यक बातें निश्चित हो जाएंगी तब अनावश्यक भटकन छूट जाएगी। एक बार जब सब स्पष्ट पता चल गया कि क्या आवश्यक है, क्या करना होगा, परमात्मा स्वरूपतः कैसे हैं, उनका अपरोक्ष ज्ञान क्यों नहीं हो पाता है, कौन उनका अपरोक्ष ज्ञान करेगा और कहाँ प्रयास करना होगा, बाहर में या अंदर में, ये सारी बातें जब निश्चित रूप से पता हो जाएंगी तब बिना मतलब जो हम लोग खोजते फिरते बहुत हैं, बहुत से इस जगत में, इस जगत में जा बजा, मैंने जगह बेजगह जो हम लोग ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ, वो भटकन जो है अनावश्यक इस स्थान में, इस तीर्थ में, उस पानी में, यहाँ वहाँ मंदिर में, ये अनावश्यक भटकन छूट जाएगी। अपने स्वरूप के वैसे ही ज्ञान से, जैसे परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान किया, अपना स्वरूप भी पता करिए कैसा है, तो वैसे ही ज्ञान, जैसे परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान किया वैसे ही अपने स्वरूप का भी ज्ञान करिए। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष तो अभी हुआ नहीं, हो गया तब तो पूछना ही नहीं पड़ेगा कुछ। अपने स्वरूप के वैसे ही ज्ञान से यह स्थिर हो जाएगा कि मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूँ अथवा नहीं। मैं तो हूँ ही, मैं तो वही हूँ दरअसल, प्राप्त भी नहीं करना है, मैं वही हूँ, तो हम
मैं वही हूँ, लेकिन अभी तो ऐसा है कि न मैं अपने को जानता हूँ न उनको जानता हूँ, तो क्या कौन प्राप्त करेगा और किसको प्राप्त करेगा। लेकिन जब इस तरह का श्रवण और मनन होता है हमारा, तब हमें पता चल जाता है कि मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूँ अथवा नहीं हूँ। लेकिन कब जान पाऊंगा? जब अपने ऊपर पड़े पर्दों को, आवरणों को हटाऊंगा, उनसे मुक्त करूंगा, बंधन मुक्त हो जाऊंगा शरीर के बंधन से। तब ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, ऐसी युक्ति सीखें जिससे कि शरीर के किले का, किले में दीवार के अंदर दीवार के अंदर दीवार रहती है, वैसे ही शरीर के अंदर शरीर के अंदर शरीर है। काया गढ़ को छोड़ देना है, तब भाव भ्रम भेद सकल मिलती है। ऐसे नहीं होता। सृष्टि क्रम के विकास का तथा परम प्रभु और निज स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने के कारण की जानकारियों से उस आधार का पता लग सकेगा जिसके अवलंब से सृष्टि व उपर्युक्त कारण रूप आवरण से पार जाकर परम प्रभु से मिलन तथा उसके अपरोक्ष ज्ञान का होना परम संभव हो पाएगा। बड़ा वाक्य है। सृष्टि क्रम के विकास का पता चल जाए, विकास कैसे एवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले परमात्मा से मौज निकली, उससे चेतन का मंडल, प्रकृति का, परा प्रकृति का मंडल बना, उसके बाद जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति प्रारंभ हुई, उसमें भी पहले महाकारण, ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो सृष्टि क्रम के विकास का तथा परम प्रभु और निज स्वरूपों का अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होने के कारण की जानकारी जब हो जाएगी, तब हमें उस आधार का पता लग सकेगा। कौन सा आधार? जिसके अवलंब से, जिसके सहारे से, जिसकी सहायता लेकर सृष्टि व उपर्युक्त कारण रूप आवरण से पार होकर परम प्रभु से मिलन तथा उसके अपरोक्ष ज्ञान का होना परम संभव हो पाएगा। कौन सा ऐसा आधार है जिससे कि हम प्रकृति के पार जाकर परम प्रभु से मिल पाए और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान कर पाए, ये भी संभव हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? उस अवलंब का पता करने के लिए कहते हैं, इसके लिए उपनिषदों को वा भारतीय संत वाणी को ढूंढा जाए, वा इसे तर्क बुद्धि से निश्चय किया जाए, फिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप अव्यक्त, इंद्रियातीत, आद्यंत रहित, अज, अविनाशी, देशकालातीत, सर्वगत तथा सर्व पर है, और जैसे घटाकाश मैदाकाश का अंश है, इसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु सर्वेश्वर का अंश है। 18 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए इस पर चर्चा आप रविवार को करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।